आगरा के थाना मलपुरा के धनौली में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति को दो बाइक पर सवार करीब तीन व्यक्तियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल प्रमोद सिंह के भाई रवि सिंह ने बताया कि कार खराब होने के कारण धनौली के पास में ही गैरेज पर अपनी गाड़ी सही कराने गया था, तभी दो बाइक पर करीब तीन लोग आए और फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने कई राउंड फायर किए जिसमें दो गोलियां प्रमोद को लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति प्रमोद को इलाज के लिए जीजी अस्पताल में भर्ती कराया। जो घर से आ रहे थे गैरेज पे गाड़ी दिखाने के लिए, गाड़ी से उतरे, इतनी में दो बाइक सवारों ने फायर कर दिया। ये शक तो है, चाचा हमारे चाचा है, जमीनी विवाद चल रहा है किस बंटवारे का। उसके चाचा धमकी दे रहे थे, मैं मरवा दूंगा, जी करवा दूंगा। दो दिन पहले भी हम घर में गए थे तो माँ भी धमकी दी थी कि मैं तेरे साफ करवा दूंगा। हमारे चाचा हैं और चाचा है कई घटना है। ये चार बदमाश से बाइक पे सवार थे, एक सीने पे लगी है, एक नीचे लगी घोटू सी। हमें यहाँ आना था संजय पैलेस पे हमारे के पास, और मैं परचून की दुकान पर अपने पेंटर को लेकर मेरे दो लड़कों में आपस में झंझटबाजी हो रही थी 2000 रुपये के चक्कर में। पार्किंग चार्ज मेरे को तू किराया नहीं देता है, तो मैंने उससे कही, मैंने कि तू एक काम कर, मैं तुम्हारा साफ कराता हूँ, एक 20 रुपये खर्च कर। उन्होंने कहा ठीक है। इतनी देर में परचूने वाला मुझसे बोला, यार आपने 20 रुपये की आवाज़ दी, नीचे देखो गोली चल गई। हमने देखा तो लड़के ना नोवा गाड़ी ऊपर से नीचे आए उतर के, तो हमसे पहले जैसे हम आए थे तो जैसे पल्ली साइड की सड़क पूरी खाली रहती है उधर से दिखता भी है लोग, वो हमारे साथ साथ उधर के भी लोग भाग के चले आए उधर के। इधर देखा है ये 100 नंबर पर कॉल लगाया, मैंने 100 नंबर पर कॉल लगानी है, और बहुत लोगों ने वहाँ कॉल किया 100 नंबर पर, काफ़ी लोगों ने। इतना मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने फायर की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं तो हिसाब किताब को लेके अपने हिसाब किताब को लड़कों से लेके वहाँ अपने हिसाब किताब में लगा था। मैंने कि तुम आपस में सलाह कर लो जैसे करके रख लो। कि एक व्यक्ति है प्रमोद ठाकुर, ब्राह्मण कॉलोनी में रहता है, इसके ऊपर गोली चलाई गई। तीन गोलियों की खबर हमें वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता चला तीन गोलियाँ चलाई गई, ऐसा सुनने में आया था। तो उसके घर वाले हमने मौका वारदात पर देखा, वहाँ पर तो कोई मिला नहीं, वहाँ से निकल चुके थे ये लोग। तो जीजी नर्सिंग होम की खबर आई थी, यहाँ पर पहुँचे हम अभी अभी, उसका ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा है, फिर पता चलेगा आगे की बात। अभी हम शिनाख्त कर रहे हैं, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या मामला है, जब हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद सारी बात सामने आ जाएगी। ये कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा ये षड्यंत्र के तहत हमला किया गया है जिसमें तीन फायरिंग हुई है और दो गोली चेस्ट में जा करके लगी है प्रमोद के। मुझे कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत पूर्व में भी इन्हें धमकी दे रहे थे, परिवारिकजनों ने कल इसकी वजह से इनको नहीं बताया है, और इसी के तहत आज प्रमोद में समय देख करके गोली मारी गई। अब ये तो अभी प्रशासन का काम है कि इसमें बिल्कुल स्पष्टता जाहिर करे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करे। नहीं, अभी कई ऐसे पहलू हैं उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, यारी दोस्ती का भी मामला हो सकता है, तो जरूरी नहीं जमीन से संबंधित मामला।